अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं टूरिंग हाइकिंग एंड फूड्स की जानिब से आज अपने जो है छोटे भाई हमजा के साथ और अपने बहुत प्यारे दोस्त डॉक्टर शुजा सुल्तान के साथ जो है जिस जगह पे पहुंचा हूँ, इस जगह का नाम है खड़ी शरीफ। अच्छा, यहाँ की सबसे जो ख़ास बात है खड़ी शरीफ की वो ये है कि यहाँ पे आपको दो मज़ार जो है, दो अजीम हस्तियों के मज़ार जो है वो मिलेंगे। उनमें से एक है पीर शाह अहमद गाजी, जिनको दमड़ी सरकार भी कहा जाता है, और दूसरे जो है सैफुल मलूक, जो एक मशहूर पंजाबी की किताब है, उनके जो मुसन्निफ है मियाँ मोहम्मद, हज़रत मियाँ मोहम्मद बख्श, उनका भी मज़ार यहीं पे मौजूद है। ये दोनों मज़ार एक ही जगह पे मौजूद है, एक ही अहाते में थोड़े थोड़े से फासले पे मौजूद हैं। और यहाँ पे जो लोग आना चाहते हैं, सबसे पहले मैं उनके बारे में उनको थोड़ा सा गाइड कर दूँ कि वो यहाँ पे कैसे पहुँच सकते हैं। यहाँ पे आने के लिए अगर आप रावलपिंडी वाली साइड से आ रहे हैं तो जेहलम से थोड़ा सा पहले दीना के पास जो है एक बाईपास है, दीना बाईपास उसको कहते हैं, वहाँ से आप मीरपुर आएंगे। तो मीरपुर पहुँचने के बाद मीरपुर से ये जो दमड़ी शरीफ है, ये जो जगह है, ठीक है ना, यहाँ पे 10 किलोमीटर का फासला आपको मीरपुर से जो है वो तय करना पड़ेगा। आप अपनी गाड़ी पे आएँ तो बहुत बेहतर है, नहीं तो स्पेशल कुछ कन्वेंस करवा के आएँ, या आपको मीरपुर से जो है वो रिक्शा और इस तरह की ट्रांसपोर्ट मिल सकती है। और अगर आप लाहौर वाली साइड से आ रहे हैं या सरगोधा फैसलाबाद इन साइडों से आ रहे हैं, तो उसके लिए भी ये है कि आप जिस तरह से भी है जीटी रोड पे जो है वो सराय आलमगीर पहुंचेंगे, सराय आलमगीर से जो है वो बरास्ता सराय आलमगीर वाली नहर जो है वो आपको अली बेग जो है जो छोटा सा एक डैम है, हेडवर्क्स है, वहाँ से उस रास्ते से होता हुआ ये रास्ता आपको यहीं पे जो है दमड़ी शरीफ जो है ले आएगा। अच्छा, दूसरा यह है कि आप अगर इस रास्ते से बचना चाहते हैं, अगर रात को लेट होते हैं तो ये मुनासिब रास्ता नहीं है, तो फिर आप रास्ता झेलम और दीना बाईपास से जो है वो मीरपुर आए, और मीरपुर से जो है आप यहाँ पर पहुँच सकते हैं। यहाँ पर जो चीज़ें अभी मैंने यहाँ पर अभी हम बाहर हैं, अंदर के मनाजिर आपको दिखाएँगे। जो चीज़ें मैंने ऑब्ज़र्व की हैं, जो रवायती हमारे जो मज़ार हैं हमारे औलिया कराम के, बिल्कुल उनका एक टिपिकल जो कल्चर है, यहाँ पे बहुत वसी जो है बाज़ार मौजूद है, लंगर के लिए बड़े लंगर खाने यहाँ पे काफ़ी सारे मौजूद हैं। बाज़ार में बच्चों के खिलौने, खाने पीने की चीज़ें, मिट्टी के बर्तन और इस तरह की बेशुमार चीज़ें जो कि इन जो है वो मज़ारों के कल्चर का एक हिस्सा है, वो सारी चीज़ें यहाँ पर बाहर मिलेंगी। और अंदर जो माहौल आपको मिलेगा वो मैं आपको अंदर लेके जाता हूँ और वहाँ पे आपको वो भी दिखाता हूँ। ये जो एंट्रेंस है यहाँ पे जो है हज़रत मियाँ मोहम्मद बख्श का एक बहुत प्यारा शेर लिखा हुआ है, बस कर मियाँ मोहम्मद बख्शा मोड़ कलंदा घोड़ा, सारी उम्र दुख नहीं मुकने वर्का रह गया थोड़ा। और इसके बाद ये अगर हम गुज़रते हैं तो हमें ये मेन जो है वो एक बिल्डिंग नज़र आ रही है मज़ार की, वाइट मार्बल है बाहर से, और एक बड़ा वसी सब्ज़ रंग का गुंबद है इस बिल्डिंग के ऊपर, और इसके साथ ही अगर हम देखें तो वसी बरामदे जो हैं और बड़ा खूबसूरत जो है वो वेल मेंटेन नीट एंड क्लीन जो है वो तमाम एरिया यहाँ पे हमें जो है वो नज़र आ रहा है। हम थोड़ा सा भी आगे चलेंगे। ये दोनों अजीम शख्सियात के मज़ार हैं, और इसके अतराफ में अगर हम देखें तो जो एक बड़ा वसी और अरीज जो है सहन नज़र आएगा, जो ग्रेनाइट की टाइल्स के साथ बड़ी नफासत और सफाई के साथ जो है जिसको मेंटेन किया गया। और इसके अतराफ़ में जो मज़ीद जो बरामदे नज़र आ रहे हैं उनमें भी एक साइड पे जो है वो कुछ शॉप्स या एक मार्केट है जहाँ पे जो है वो ज़ायरीन जो है कुछ चीज़ें खरीद सकते हैं, जैसे मिठाई वगैरह या कुछ बच्चों के खिलौने या कुछ ख़वातीन की इस्तेमाल की जो चीज़ें जो है वो मुझे नज़र आ रही हैं। और यहीं पे जो है वो जो हमने बाहर आपको दिखाए थे मिट्टी के बर्तन, वो भी यहाँ पे कुछ
मौजूद हैं, एक छोटी सी शॉप वो भी नज़र आ रही है। और ये अगर इस वक्त जो है मेरा कैमरा जिस साइड पे है, ये असल में इस दरबार की एक दाखिली रास्ता है। इस रास्ते से अगर एंटर हो तो दोनों दरबार जो हैं वो आपको बिल्कुल सामने इकट्ठे जुड़वा नज़र आएंगे। जबकि जिस रास्ते से मैं पहले दाखिल हुआ था उसमें से जब दाखिल होंगे आप पहले, तो आपको जो है हज़रत पीर गाजी का मज़ार पहले मिलेगा और फिर उसके बाद उसकी बैक साइड पे जो है हज़रत मियां मुहम्मद बख्श। ये जो मज़ार के अहाते में दुकानें हैं कुछ, जैसे मैंने बताया कि मिठाई की, अगर इन्हीं के जो है पिछली तरफ एक कब्रिस्तान भी है, और जिधर से हम दाखिल हुए थे उस रास्ते पे भी जो है वो बाएं तरफ कब्रिस्तान जो है एक है, यानी कि इस इन मज़ारों के दोनों अतराफ़ में जो है वो कब्रिस्तान हमें नज़र आता है। ये है वो जो है मुल्का कब्रिस्तान, ये ज़्यादा वसी नहीं है, इसमें कुछ कब्रें हैं वो ज़्यादा नहीं है। तो यहाँ पे जो है वो हमें कुछ लोग जो है वो मौसीकी के साथ भी नज़र आ रहे हैं। अच्छा दोस्तों, इस वक्त मैं जो है जो दोनों बाज़ार हैं उनका जो एक वसी और ये सहन है वहाँ पे बैठा हूँ, और मेरे इस वक्त जो बैकग्राउंड में जो बिल्डिंग आपको नज़र आ रही है ये हज़रत मियां मुहम्मद बख्श की जो है वो मज़ार शरीफ है। और यहाँ पे ये भी मैं साथ बताता चलूँ कि इसी इन्हीं दोनों मज़ारों के दरमियान में एक आपको छोटा छोटा सा अहाता नज़र आ रहा होगा। असल में ये जो छोटा अहाता है, यहाँ पे दो कब्रें हैं, एक हज़रत मियां मुहम्मद बख्श की वालदा की है और एक उनकी दादी जान की है। तो ये जो दो कब्रें हैं उनकी वालदा और दादी जान की, इन दोनों मज़ारों के दरमियान में वाक़ है। अच्छा, उसके अलावा मैं ये बता दूँ इसी जो है अहाते से मुलहका कब्रिस्तान मैंने आपको दिखाया भी है पहले भी, और इस साइड पे मेरे राइट साइड पे जहाँ पे मैं इस वक्त बैठा हूँ यहाँ पे भी कब्रिस्तान है, और इस बैक साइड पे भी कब्रिस्तान है, और एक बहुत खूबसूरत मस्जिद भी इन्हीं से मुलहक है, उसमें भी काफ़ी ज़्यादा जो है वो गुंजाइश है, काफ़ी कैपेसिटी है नमाजियों के लिए, बड़ा अच्छा जो है जो रवायती हमें मस्जिद का एक खुला जो है वो माहौल जो है वो नज़र आता है वो हमें वहाँ पर मिलता है। तो ये जो जगह है ये अगर आपको मौका मिले तो आप इसको जो है बतौर ज़ायरीन जो है वो भी इसको विज़िट कर सकते हैं, और अगर आपको पंजाबी अदब से शगफ़ है और पंजाबी अदब के शौकीन हैं और खराज तहसीन एक बहुत बड़े शायर को पेश करते हैं हज़रत मियां मुहम्मद बख्श को पेश करना चाहते हैं, तो आप उस वजह से भी इस जगह को विज़िट कर सकते हैं। तो हमने आपको पहले बता दिया कि आप यहाँ पे कैसे पहुँच सकते हैं, तो मुझे उम्मीद है कि आपको हमारी ये जो वीडियो है वो पसंद आई होगी। तो हमेशा की तरह आखिर पे मैं ये समअप करना चाहूँगा कि हमारी वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी करें अगर आपने पहले नहीं किया, और अगली वीडियो तक के लिए हमें इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।